न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मुस्लिमों को पिछाड़ रखने का आरोप, EVS के खिलाफ कर सकते हैं लिखित शिकायत। माँ बेटे को बंधक बनाकर लूटे गहने। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुस्लिमों को पिछाड़ रखने का किया आरोप। नागपुर में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टीज MPDC के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवर्तक तौफीक पटेल ने बुधवार को आयोजित प्रश्न परिषद में कांग्रेस और भाजपा पर जानबूझकर मुस्लिम इलाकों को पिछाड़ रखने का आरोप लगाया। पटेल ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को और उनके झोपड़ पट्टियों का वास्तविक विकास नहीं किया गया है। दोनों की पटरियों ने अल्पसंख्यकों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। इस अवसर पर MPDC के नागपुर में प्रत्यक्षित अफीम खान के कहा है कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के हितों के मुद्दों पर कार्य करेंगी। वो उन्हें मुफ्त शिक्षा देंगे, संविधान व आरक्षण की हिफाजत करने मुस्लिमों का भी अधिकार होगा और आरक्षण दिलाने, इबादत करने, नांदेड़ गुरुद्वार साहिब और चर्चा के भगवान कारक पर रोक लगाने जैसे अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद वंचितों का इंसाफ दिलाना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। EVS के खिलाफ कर सकते हैं अब लिखित शिकायत। नागपुर में इंडिया अगेंस्ट EVS की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान को पोलिंग बूथ पर भी वोट डालते समय EVS संबंधित संदेह होने पर शिकायत करने का अधिकार होने की जानकारी दी जा रही है। एंड आकाश मून के अनुसार मतदाताओं को मतदान करते समय भी अगर EVS प्रक्रिया पर संदेह है तो मतदाता चुनाव प्रक्रिया कानून 1961 की व्यास डी और रूल 49L और 49S के अनुसार लिखित शिकायत कर सकते हैं। इसी शिकायत में मतदाताओं को अपना नाम और मतदाता सूची में दर्ज अनुक्रमांक लिखना होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने के बाद भी अगर उनका वोट दूसरे उम्मीदवार को जाता है तो उनकी जिम्मेदारी चुनाव अधिकार की होगी। इस संबंध में पत्र देकर मतदाताओं EVS बंद करने की मांग कर सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। माँ बेटे को बंधक बनाकर लूट लिए गहने। नंदनवान पेठ के राजेश्वरी नगर में बुधवार की रात 3 बजे बुरखाधारी तीन आरोपियों ने जल संपदा विभाग की महिला लिपिक और उसके 7 वर्षीय बेटे को चाकू की नोक पर घर में से बंधक बनाकर 2,00,000 रुपए लूट लिए। आधे घंटे तक मासूम के गले पर चाकू रखकर आरोपी आतंक बचाते रहे। बुधवार की सुबह घटना उजागर हुई। फरीदाबाद सोनाली पाटिल जानकारी के अनुसार सोनाली पाटिल राजेश्वरी नगर में अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ रहती है। 16 अप्रैल की मध्य रात्रि पीछे के दरवाजे से बुरखा पहने 3 युवक लॉक तोड़कर घर में घुसे। बेडरूम की लाइट शुरू कर सोनाली को जगा कर चाकू का डर दिखाया। उसका मुंह बंद कर उसके बेटे को चाकू की नोक पर तैनात रखकर उसे मारने की धमकी देकर अलमारी से 2,00,000 के गहने लूटकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस आगे की जांच में जुड़ी हुई है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।